सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को 1 मई को पेश होने के लिए भेजा गया नोटिस। मामले में 5 आरोपियों की हुई पहचान, असम से एक की गिरफ्तारी। गृहमंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो बनाने और सर्कुलेट करने वालों पर बोला अमला। गुवाहाटी में रोड शो के दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा असली दोषी को सजा जरूर मिलेगी। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। कर्नाटक के बागलकोट से फेक वीडियो पर बोले पीएम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, फेक वीडियो बनाने वालों पर होगा एक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी फंसी फंसी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, फेक वीडियो आपको नजर आए आप पुलिस को जानकारी दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के माडा, धाराशिव, लातूर और तेलंगाना के जहीराबाद में होगी पीएम मोदी की रैली। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पुष्टिपति गणेश में दर्शन के बाद होगा नामांकन। मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से वर्षा गायकवाड़ भी दाखिल करेंगी नामांकन। प्रधानमंत्री के न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू पर नेहा इरेमत के पिता निरंजन ने दिया पीएम का धन्यवाद। कहा मोदी जी के ये कहने से कि वो हमारे साथ खड़े हैं, हमें न्याय मिलने की संभावना बढ़ गई है। वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या, ये हमारे संस्कार नहीं है, नहीं हमारी सोच है और एक मानवीय संवेदना का विषय है। बोलने में हमारे को कहीं खुशी आ रही है तो हमको कहीं ना कहीं न्याय मिलने का संभावना लग रहा है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। वो ये है कि लास्ट माइल डिलीवरी